लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यक व दलित वर्ग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये सम्मेलन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के संयोजक सरदार हंसपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक के हितों का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं, सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी उन कमियों को भी दूर करेगी। यह अल्पसंख्यक भाग का कार्यक्रम जो है जिला मंडी का रखा गया है। श्री हंसपाल सिंह जी मंडी जिला के जो हमारे अध्यक्ष है, इनके सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है और मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक के लोग शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी इसमें शामिल हुए हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग भी, इसमें दलित वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अल्पसंख्यक के हितों का ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी ने ही पूरे राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक जो है कल्याण बोर्ड बनाया है, जिसमें अल्पसंख्यक के लोगों को दिया गया है। उनकी मीटिंग हर 3-4 महीने के बाद होती थी, वो अपनी समस्या रखते थे, सरकार उन समस्याओं का समाधान करते थे। आज जहां अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी ने जो फायदे दिए हैं, जो कुछ कमियां रह गई है उसके बारे में भी हमारे जो नेतागण जो है बता रहे हैं, जो हमारी सरकार आएगी उस कमियों को भी पूरा किया जाएगा और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव जो है काम करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये भाजपा जो है ये सांप्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और भाजपा जो है सिर्फ हिंदू का नारा दे करके जो है अल्पसंख्यकों को किनारे कर रही है। धन्यवाद।